हेलो एवरीवन। हाँ कौन कौन लोग आ गए भाई? ठीक है, सो एम आई ऑडिबल? यस सर, ओके। सो लास्ट क्लास पे हम लोगों ने किया था, वी वर सपोज टू स्टार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना? यस सर। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कर, देखते हैं, पढ़ते हैं, है ना? उसके बाद फिर पहले कंप्लीट फीमेल, जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी किया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे गैमेटोजेनेसिस में। तो गैमेटोजेनेसिस में अभी हमें दोनों करना है, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस दोनों करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हालांकि मैंने आपको शायद दिखाया भी था, तो गिव मी वन सेकंड। देखो, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया हुआ था कि जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एवरी फीमेल हैव टू ओवरीज और एवरी ओवरी नॉट वन ओवरी आउट ऑफ दिस टू ओवरी ओनली वन ओवरी गिव्स राइज टू एग, वन एग इन वन मंथ। सो और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये प्रोसेस रिदमिकली होती है, कि जैसे इस बार ओवुलेशन में इस वाली एग से इस वाली ओवरी से एग रिलीज हुआ यहां से, तो नेक्स्ट टाइम जो ओवुलेशन होगा वो इस वाली ओवरी में होगा, इसमें नहीं। और ये इधर से उधर, इधर उधर, इधर उधर, ये फ्रिक्वेंटली होता रहता है और ये रिदम चेंज नहीं होता। और ये साइकिल कैसे मेंटेन करती है ये बात अभी तक बायोलॉजिकली किसी को नहीं पता। ठीक है, साइंटिफिकली ये बात हम लोग अभी तक नहीं जान पाए कि आखिर ऐसा होता कैसे है, ये जो रिदमिक साइकिल होती है, अल्टरनेट साइकिल होती है, कैसे मेंटेन होती है। और कुछ एनिमल्स में सिंगल ओवरी ही होती है, जैसे कि बर्ड्स वगैरह होते हैं, है ना? तो ह्यूमंस में दो पेयर होती हैं ओवरी। ये ओवरी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे साइड साइड, यहाँ पे साइड साइड में ये अटैच्ड है, पीछे की तरफ से भी, मतलब कि जो बॉडी की बैक वॉल है उसमें भी अटैच्ड है, और यूट्रस के साथ में भी यहाँ पे अटैच है। ऊपर आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा फेलोपियन ट्यूब में भी अटैच है। तो ये जिससे अटैच होती है दे आर लिगामेंट्स, तो लिगामेंट्स की हेल्प से यहाँ पे अटैच होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पे ओव्यूलेशन होता है, तो ओव्यूलेशन होता है तो ये वैसे ही होता है जैसे एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर एक मैच्योर फॉलिकल, जिसे कि हम लोग ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं, तो ग्रेफियन फॉलिकल आकर के यहाँ पे, एक मैच्योर फॉलिकल आकर के यहाँ पे बस्ट करती है। बस्ट करने के बाद क्या होता है कि एग रिलीज हो जाता है। तो जैसे एक्सोसाइटोसिस अमीबा में होती है, हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसी तरह से यहाँ पे एग रिलीज हो जाता है। और एग को ये जो फेम्ब्रेनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से सक्शन प्रेशर क्रिएट करती है, इस तरह से ये मूवमेंट करती रहती है और सक्शन प्रेशर क्रिएट करती है। इस सक्शन प्रेशर के थ्रू इसको सक कर लिया, सक करने के बाद ये इन्फंडिबुलम में आता है, फिर एम्पुला में आता है। एम्पुला में ही एग का फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन होना हुआ तो, अगर नहीं होना हुआ तो भी एग आगे की तरफ मूव कर जाएगा और आगे जाके डिस्ट्रॉय हो जाएगा। 14th डे पे ये प्रोसेस होती है एग के रिलीज होने की। एक दिन बाद एम्पुला में यहां पर एग पहुंच चुका होता, मतलब 15th डे में एग यहां पे पहुंच चुका होता। फर्टिलाइजेशन के बाद एक
स्थमस से पास होता हुआ जा करके यहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है और वॉल के अंदर की तरफ धस जाता है, है ना, सिंक हो जाता है और यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है। अब ये वाला जो पूरा पार्ट है स्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, इसको मिला करके हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर इस एम्पुला और स्थमस वाले पार्ट में छोटी छोटी सिलिया पाई जाती है। सिलिया भी रिदमिक मूवमेंट करती हैं। इस रिदमिक मूवमेंट की वजह से एग आगे की ओर ट्रांसफर होता है। कई बार फीमेल में ट्यूबरक्लोसिस के इंफेक्शन की वजह से ये सिलिया डेड हो जाती हैं और एग आगे की तरफ नहीं मूव कर पाता। ये भी कई बार फीमेल में इनफर्टिलिटी का एक रीजन। दिस इज जस्ट फॉर सेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन। इतना आप जान लीजिए कि स्थमस और एम्पुला में सिलिया पाई जाती हैं जो कि एग के मूवमेंट को फर्दर आगे की तरफ मूव कराती है, क्योंकि एग में खुद में किसी भी तरह का मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता कि जो एग को मूवमेंट प्रोवाइड करा सके। आगे जाने के बाद एग यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट होने के बाद फिर फर्दर फर्टिलाइज जब हो गया, यहाँ पे फर्टिलाइज हुआ तो इम्प्लांट हुआ, इम्प्लांट होने के बाद फिर धीरे धीरे एग डेवलप होता है और एक परमानेंट कनेक्शन बना लेता है यूट्रस की वॉल के साथ में। बाद में यहीं पे प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है और ये जो स्पेस है ये 500 टाइम अपने आप को बढ़ा लेता है और यहाँ पर फ्लूइड भर जाता है। यहाँ से एक क्लॉग होता है, वो इसे सर्विक्स के क्लोज कर देता है जिससे कि अंदर की तरफ एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो सके और एम्ब्रियो कंफर्टेबली इस लिक्विड में रह सके और फ्लोट कर सके। यूट्रस में तीन वॉल होती है, आउटर वॉल पेरीमेट्रियम जो कि प्रोटेक्टिव होती है, मिडिल वॉल मायोमेट्रियम ये मस्कुलर होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, इंटरनल वॉल इंडोमेट्रियम है ये बनती और बिगड़ती रहती है आफ्टर एवरी 28 डेज। इस वाले पार्ट को हम सर्विक्स कहते हैं, इस होल को सर्विकल कैनाल बोलते हैं। दिस इज वेजाइना, हियर द स्पर्म्स आर रिलीज्ड, स्पर्म ट्रेवल करके सर्विकल कैनाल के थ्रू ये अंदर की तरफ पहुंचते हैं। यहां पर अंदर पहुंचने के बाद एग में खुद में स्पर्म में खुद में मूवमेंट होता है क्योंकि उसमें फ्लैजिला पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया से वो एनर्जी डेराइव करते हैं। साथ में जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन है तो यूट्रस भी हेल्प करता है स्पर्म के मूवमेंट में और स्पर्म खुद में तो अपना मूवमेंट जनरेट करते हैं। तो ये था हमारा इसके बारे में फीमेल रिप्रोडक्टिव। अब मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ, ठीक है ना, वेट, इसका स्क्रीन शॉट लीजिए पहले तो आप। Yes, ले लिया, ठीक है। देखिए मेमोरी ग्लैंड, एक बात, मेमोरी ग्लैंड को भी हम एसेसरी सेक्स ऑर्गन में काउंट करते हैं, ठीक है ना, और ये एक्टिवेट कब होती है, ये एक्टिवेट पर्टुएशन के बाद, मतलब बर्थ के बाद एक्टिवेट होती है क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन उसके बाद ही रिलीज होता है और तभी इनमें मिल्क का फॉर्मेशन और मिल्क का इजेक्शन दोनों ही स्टार्ट होता है। तो पर्टुएशन के पहले ये काम करना नहीं स्टार्ट करती है। और मेमोरी ग्लैंड कब तक एक्टिव रहती है, ये जब तक कि सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए बॉडी ना प्रिपेयर्ड हो जाए तब तक मेमोरी ग्लैंड एक्टिव रहती है, ठीक है। तो जब तक मेमोरी ग्लैंड एक्टिव है, मतलब इसको हम लैक्टेशन पीरियड कहते हैं, तो जब तक किसी फीमेल में लैक्टेशन पीरियड चल रहा है तब तक दोबारा से उस पर्टिकुलर फीमेल में प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो सकती। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन, ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड केयर। बोथ आर द ओवरी
अब देखिए यहां पर ओवरी में ये सब ओवरीज होती हैं, ओवरी में अंदर जर्मिनल एपिथीलियम पाई जाती है, 2 to 4 centimeter ये लंबी हो सकती है एक ओवरी। इनर पार्ट जो होता है उसमें जर्मिनल एपिथीलियम पाई जाती है। ये ओवरी का ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये डायग्राम भी, ये ऊपर की तरफ जर्मिनल एपिथीलियम है जिससे कि एग का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एग का फॉर्मेशन स्टार्ट होना होता है। मिडिल वाले पार्ट को मेडुला कहते हैं, इसका ये वाला पार्ट जो कि मिडिल पार्ट और इसके बीच में, इसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं। आर्टरीज और वेन्स हैं, ये फॉलिकल लाइक स्ट्रक्चर है, जो बबल लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम फॉलिकल कहते हैं। इसके अंदर एग का फॉर्मेशन होता है। वेजाइना और सर्विकल कैनाल, इसको हम एसेसरी डक्ट कहते हैं क्योंकि ये हेल्प करती है रिप्रोडक्शन। दिस इज ओविडक्ट, हमने अभी देखा 10 to 12 centimeter की होती है, इसकी लेंथ पूछी जा चुकी है नीट में। ओविडक्ट बोले तो फेलोपियन ट्यूब पूरी। इनफंडिबुलम, एम्पुला, एस्थमस, इस पार्ट को इनफंडिबुलम कहते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम फेम्बरेनाई नहीं कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। एक देखिए यहां से रिलीज हुआ, यहां पहुंचा एम्पुला वाले पार्ट में, स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, स्टमक में इसके बाद पहुंचेगा, दिस स्पेस इज कॉल्ड यूट्रस, पूरा वाला पार्ट। नीचे की तरफ ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, पीएलएस है, ट्रांसवर्स लेटरल सेक्शन। ये देखिए मीजोमेट्रियम जो मसल्स की बनी होती है, अंदर वाला पार्ट यूट्रस है, दिस पार्ट इज कॉल्ड वेजाइना। सर्विकल कैनाल बोलते हैं जहां से स्पर्म की एंट्री होती है, वेजाइना में स्पर्म इकट्ठा हो जाते हैं और फिर सर्विकल कैनाल के थ्रू ये एंट्री करते हैं अंदर की तरफ, फिर यूट्रस में पहुंचते हैं और यूट्रस के बाद फिर ये पहुंचते हैं कहां पे, फेलोपियन ट्यूब में, जहां पर की फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल लेयर को यूट्रस की हम लोग पेरीमेट्रियम कहते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। इसके अंदर वाली जो मस्कुलर लेयर है उसको हम मायोमेट्रियम कहते हैं और इंटरनल लेयर को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसमें इंटरनल जो एंडोमेट्रियम होती है वो बनती और बिगड़ती रहती है। तो देखो ये था हमारा क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। समझ आया भाई, क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक है, डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिएगा और इसके इसके पार्ट्स के बारे में हम लोग लिख लेते हैं, नोट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पे नहीं समझ में आया पूछना। हेडिंग डालेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज कॉमा
अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ब्रैकेट में लिखेंगे ओविडक्ट, कॉमा यूट्रस, कॉमा वजाइना, कॉमा एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, एंड ब्रीस्ट। अब फर्स्ट हेडिंग डालेंगे ओवरीज एंड ब्रीस्ट, एंड ब्रीस्ट फर्स्ट सब हेडिंग डालेंगे। हाँ सर, आपने एंड के बाद एक बार क्या बोला, एक बार लिख सकते हैं स्पेल करके? हाँ हाँ ठीक है। ओके सर, ओवरीज फर्स्ट हेडिंग, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ओवरीज। Ovaries are the primary sex organ. Ovaries are the primary sex organ. Full stop. They are about 2 to 4 centimeter long. They are about 2 to 4 centimeter long. Full stop. They are about 2 to 4 centimeter long. Full stop. They are located at lower part of abdomen. They are located at lower part of abdomen. Held by broad ligament. Held by broad ligament. Full stop. Each ovary is connected by, each ovary is connected by ovarian ligament to uterus, ovarian ligament to uterus. Okay, this is ovarian ligament, ovarian ligament to uterus, and suspensory ligament to lateral pelvic wall, and suspensory ligament to lateral pelvic wall, ovary ke piche wala hai. नेक्स्ट पॉइंट, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, बताना ओवरी एक्सोक्राइन ग्लैंड है कि एंडोक्राइन ग्लैंड है? सर एंडो। पुराने वाले बच्चों के साथ किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं की जाएगी, क्योंकि अपन इसको लिखवा चुके हैं। मैत्री, आमना, एंडोक्राइन ग्लैंड। अच्छा मैत्री। सर सर मुझे भी एंडो ही लग रहा है। ओ लग रहा है। दिव्यांशी, अच्छा
आज घर जाके पढ़ना जरूर एंडोक्राइन में मैंने क्या पढ़ाया था। ओवरी इज हेट्रोक्राइन ग्लैंड, इट इज एंडो एज वेल एज एक्सोक्राइन बोथ काइंड ऑफ ग्लैंड। याद करो मैंने बताया था कि ओवरी एग रिलीज करती है इसलिए उसको अपन एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, लेकिन ओवरी साथ में हार्मोन भी रिलीज करती है इसलिए उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। तो जो ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करने के साथ में दूसरे फंक्शन भी करें उन्हें हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। आप देखना स्पेशली मैंने आपको लिखा हुआ है, ठीक है, चलो नोट करो। ओवरी हैव बोथ एन एक्सोक्राइन फंक्शन, ओवरी हैव बोथ, अंडरलाइन करेंगे, ओवरी हैव बोथ एन एक्सोक्राइन फंक्शन दैट इज प्रोडक्शन ऑफ ओवा एंड एंडोक्राइन फंक्शन एज इट सीक्रीट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट आप देखो, मैं ओवरी का डायग्राम आपको दिखाता हूं जो हमने अभी वीडियो में भी देखा हुआ था। देखो ये पूरा ओवरी का डायग्राम है, सबसे बाहर की तरफ एक कवरिंग है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पेरिटोनियम, है ना। पेरिटोनियम के नीचे क्या है जर्मिनल एपिथेलियम है जिसमें कि ये एग का फॉर्मेशन होता है। फिर आप देख पा रहे होंगे इसके नीचे क्या है स्ट्रोमा है ना, हमने अभी देखा अंदर ब्लड वेसल्स है, ठीक है राइट, ठीक है अंदर ब्लड वेसल्स हैं, है ना। अब देखो यहां पर ये स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, अभी हम लोग जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तब फिर समझेंगे। ये प्राइमरी फॉलिकल्स बन रही हैं, मतलब एग्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ग्रोइंग फॉलिकल्स, थोड़ी सी फॉलिकल और बड़ी होती हैं, है ना। ये देखिए उसके अंदर एग भी आपको दिखाई दे रहा है, ये जो दिख रहा है ये एग है, न्यूक्लियस नहीं एग है, ठीक है। मैच्योरिंग फॉलिकल, फॉलिकल मैच्योर होती है, जब मैच्योर फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, फुल्ली डेवलप फॉलिकल, उसको अपन ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल में आप देख पा रहे होंगे ये ग्रेनुलर सेल्स हैं, इसके अंदर यहाँ पे एक लिक्विड भरा हुआ है जो आपको वैक्यूल जैसा दिखा रहा है, इसको एंट्रम कहते हैं। ये 14th डे में रप्चर कर जाती है, रप्चर्ड फॉलिकल, एग रिलीज हो गया। एग रिलीज होने के बाद ये फॉलिकल रप्चर होती है, खत्म नहीं होती, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, येलो कलर की होती है, इसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, रिग्रेसिंग कार्पस ल्यूटियम, कॉन्ट्रैक्ट होती हुई खत्म होती हुई कार्पस ल्यूटियम। उसके बाद जब इसका फंक्शन खत्म हो जाता है फिर कार्पस ल्यूटियम हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर देती है, और जब इसका काम खत्म हो जाता है डिजेनरेटिंग फॉलिकल इसको हम लोग, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ओवरी का डायग्राम है, समझ आया भाई? यस सर, ठीक है। और ये जो पेरिटोनियम है इसके जस्ट नीचे वाली लेयर को हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। अब इस स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस में मैं बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है ना, बेसिक डिफरेंस क्या है। देयर इज अ डिफरेंस, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। प्लांट में सिर्फ डिफरेंस नहीं था, मतलब प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम थी, यहां प्रोसेसेस में भी डिफरेंस है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, ओवरीज आर कंपोज्ड ऑफ, एक मिनट से डायग्राम बना दो, ये डायग्राम में इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, आप लिख लीजिए साइड में, ये आपके एनसीईआरटी में भी बना होगा।
हो गया? यस सर। ठीक है, अब देखो, हाँ तो नोट करो, ओवरीज आर कंपोज्ड ऑफ, कंपोज्ड ऑफ अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू, द स्ट्रोमा कनेक्टिव टिश्यू, द स्ट्रोमा कॉमा इट इज रैप्ड बाय जर्मिनल एपिथेलियम एंड अ लेयर कॉल्ड पेरिटोनियम एंड अ लेयर कॉल्ड पेरिटोनियम ओवेरियन मेडुला कंटेन, द ओवेरियन मेडुला कंटेन मेनी मैच्योर फॉलिकल कॉल्ड ग्रेफियन फॉलिकल स्टॉप द फॉलिकल सेल्स सीक्रीट एस्ट्रोजन इनटू ब्लड ठीक है नेक्स्ट फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट अ फेलोपियन ट्यूब इज 10 टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग अ फेलोपियन ट्यूब इज 10 टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब इट कन्वे द एग इट कन्वेज सर एक बार रिपीट करिए द फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब It conveys egg from ovary to uterus and underline also provide appropriate environment for fertilization. स्टॉप इट इज मेड अप ऑफ इनफंडिबुलम एम्पुला इस्थमस and uterine part this part and uterine part full stop infundibulum bear fish
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन फंडिबुलम बियर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फेम्ब्रेई. Which help in movement of egg. Next, subheading, uterus. Uterus is also known as womb. Uterus is also known as womb. Spelling? W-O-M-B, womb. Okay, sir. Uterus को हम लोग womb कहते हैं ना. It is large and highly elastic sac. It is large and highly elastic sac specialized for development of embryo. Full stop. It varies in size. It varies in size. And it can stretch itself 500 times. Ek term hai, what is nulliparous? What is nulliparous? What is nulliparous and what is multiparous woman? You bata sakta hai? Dekho, nulliparous wo woman jisne kabhi bhi kisi bhi child ko birth nahi diya. Multiparous, more than one child birth. Note karo. Nulliparous, the women which have not given birth to any child. And multiparous. So, मतलब कि capability तो होती है ना? हाँ, मतलब capability होती है, लेकिन उसने birth नहीं दिया. Okay sir. है ना? तो जो nulliparous women होती है, उसमें womb का size बहुत छोटा होता है ना? और जो multiparous होती है, उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. Uterus का size. Next point. The uterus is thick and made up of three type of tissues. Outer, outer peritoneal covering, outer peritoneal covering called perimetrium. Comma, middle smooth muscle layer, myometrium, and inner
म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड एंडोमेट्रियम. फुल स्टॉप. अगली लाइन को अंडरलाइन करेंगे. मायोमेट्रियम इज इन्वॉल्व इन यूट्राइन मूवमेंट. Involved in uterine movement. मतलब यूट्रस में जो मूवमेंट होता है, चाइल्ड की बर्थ के टाइम पे मूवमेंट होता है, चाइल्ड की बर्थ के पहले मूवमेंट होता है, तो किसी भी तरह का यूट्रस में जो मूवमेंट होता है वो मायोमेट्रियम की वजह से होता है. और मायोमेट्रियम कैसे बनी? इनवॉलेंट्री मसल्स मिलकर के बनी, मतलब वो कंट्रोल में नहीं है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट. वेजाइना इज अ लार्ज इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब. लार्ज इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब. किसके लिए लिख रहे हैं? ये वेजाइना, ये वाला पार्ट. नेक्स्ट इज डिफरेंट पार्ट. यूट्रस खत्म. वेजाइना इज लार्ज इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब. 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. फुल स्टॉप. द स्पेस बिटवीन vaginal wall and cervix. Vaginal wall and cervix is called fornix. एक नेक्स्ट एक सब एंडिंग और डालना इसी में. ब्रीस्ट. ब्रीस्ट दे कंटेन फैटी एंड कनेक्टिव टिश्यू and mammary glands. Full stop. Mammary glands are, underline karenge, mammary glands are modified sweat gland. These glands open on lactiferous duct. Sir, हमें किसके लिए लिख रहे हैं? ये हम ब्रीस्ट में लिख रहे हैं. एंड इट इज पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सब एडिंग थी. ओके सर. डन. यस सर. ठीक है. आप आ जाते हैं हम लोग. ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब हम लोग पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस. तो गैमेटोजेनेसिस में दो. सर. हाँ बोलो बेटा. सर आप फॉर्निक्स को लोकेट करके बता सकते हैं इस डायग्राम में? हाँ. ये वेजाइनल वॉल और सर्विक्स, ये इसके बीच में जगह ही है.
दिस इज फोर्निक्स. ओके सर. अब देखो अब हम लोग पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस, है ना. देखो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पहले हेडिंग डालो आप लोग गैमेटोजेनेसिस. तो आपको डायग्राम दिखाता हूँ, बहुत अच्छा डायग्राम है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन. अब थोड़ा सा मेरी बात को गौर से सुनिएगा, समझिएगा, है ना, फिर इसको नोट कीजिएगा. तो गैमेटोजेनेसिस में गैमेट का फॉर्मेशन और गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में आपको पता है कि जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल होती हैं उन्हीं से किसी भी एनिमल के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम सेल में ही मियोसिस होता है और मियोसिस होने से गैमेट का फॉर्मेशन. ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस में दोनों ही गैमेट का फॉर्मेशन. तो हम ये पढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस के दो पार्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल एंड ओजेनेसिस इन फीमेल. अब हम पहले बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, हमने ये बात पढ़ ली है और लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ मिलकर के डिस्कस किया हुआ था कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होती है, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है, और मैंने आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का भी ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया हुआ. अब देखो ये टेस्टिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस. ये एपिडाइडेमिस है, हमने पढ़ा था कि एपिडाइडेमिस का जो हेड होता है वहां पर इनको और मोर्टेलिटी दे दी जाती है और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं. इसके अंदर आप देख पा रहे हैं हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पड़ी हुई है, है ना. अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को थोड़ा सा इनलार्ज किया हुआ है और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का क्या है, ट्रांसवर्स टीएस. अब आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले ऊपर वाली ये तो एपिथेलियल लेयर है, जर्मिनल एपिथेलियल लेयर है. अब जर्मिनल एपिथेलियल लेयर जो है इसमें ये जो बन रहे हैं दे आर स्पर्मेटोगोनिया. तो देखो ऊपर दे रखा है प्राइमोडियल जर्म सेल, है ना. तो मतलब ये क्या है, दिस इज जर्मिनल एपिथेलियम सेल, जर्मिनल एपिथेलियम. इसमें क्या हो रहा है, यहां पे आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन लगातार हो रहा है, मतलब कि अभी यहां पे ऊपर वाली जो प्रोसेस है यहां पे माइटोसिस हो रही है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं. तो यहां पे आप देख पा रहे हैं ये माइटोसिस हो रही है ना. सब में आपको दो दो क्रोमोसोम के सेट दिखाई दे रहे हैं, ये सब डिप्लॉयड है, टू एन मल्टीप्लाई होकर स्पर्मेटोगोनियम में कन्वर्ट हो जाता है. मतलब स्पर्मेटोगोनियम का क्या मतलब हुआ, स्पर्म मदर सेल. स्पर्मेटोगोनियम कैसी है, अभी भी ये डिप्लॉयड है, यहां पे भी माइटोटिक डिवीजन हो रहा है. स्पर्मेटोगोनियम कन्वर्ट होती है किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में. ये देखिए ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपको दिखाई दे, तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डेवलप हो गई, ये भी क्या है, डिप्लॉयड. अब पहला मियोसिस डिवीजन होता है किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. तो मियोटिक फर्स्ट डिवीजन हुआ, पहला डिवीजन हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी, लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अब क्या है, हैप्लॉइड. इसके बाद सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है, चार हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन. उसके बाद क्या होता है, ये स्पर्मेटिड्स जो होते हैं ये स्पर्मेटिड अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं. अब आप देख पा रहे होंगे ये जो स्पर्मेटिड्स है ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ धसे हुए हैं, है ना. और इन स्पर्मेटिड्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहे हैं ये नर्स सेल्स, सर्टोली सेल जिनको हम बोलते हैं, ये सर्टोली सेल या नर्स सेल इनको ये प्रोवाइड करा रही है. ये यहाँ पे अपने मुंह की तरफ से ये अंदर की तरफ धसे हुए हैं, धीरे 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 इनमें मेटामॉर्फोसिस होती है
मतलब कि मैचुरेशन होता है और मैच्योर होने के बाद इनमें टेल डेवलप हो जाता है। अब हम इनको स्पर्मेटिड्स कह सकते हैं, फुली डेवलप्ड स्पर्मेटिड्स कह सकते हैं। तो इस तरह से मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। बताइए, क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये सीक्वेंस आप लोग करो, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्राइमोर्डियल जर्म सेल कहां से आते हैं? अच्छा, प्राइमोर्डियल जर्म सेल क्या है? ये जर्मिनल एपिथेलियल जो नहीं, ये इन्हीं को हम कह रहे हैं। ये जो ऊपर सेल्स, ये जो एक रिंग बनी हुई है ना, ये पहले से मौजूद है, इसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। और ये जर्मिनल एपिथेलियम बार बार बनती रहती है ताकि जो है, हाँ हाँ, तो जर्मिनल एपिथेलियल बार बार डिवाइड करती रहती है, बार बार डिवाइड करती रहती है ना, वरना तो खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि सिंगल लेयर होती है। यस सर, है ना? यस सर, ओके सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है बेटा, तो फिर इसको काम करो, नोट करो इसको। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, चलिए स्टार्ट किया जाए क्या? इसको हम लोग बोलते हैं, देखो यहां से एक चीज और मैं यहां पे बताना चाहूंगा, यहां से लेकर के यहां तक एक फेज है, यहां से लेकर के यहां तक दूसरी फेज है, और यहां से लेकर के यहां तक तीन फेज है। तो हम इसको थ्री फेजेस में डिवाइड करते हैं। ऊपर वाली फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें ये मल्टीप्लाई करती हैं, मल्टीप्लिकेशन। इस वाली फेज को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ फेज। यहां पे क्या होता है कि ये प्रोटोप्लाज्म अपना डेवलप करती है, डीएनए रेप्लिकेट करती है ना, डीएनए का कंटेंट बढ़ता है, डीएनए रेप्लिकेट करती है, साइज में सेल बढ़ती है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं मैच्यूरेशन। तो हम स्पर्मेटोजेनेसिस को तीन फेज में डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन। क्लियर है? यस सर। यस सर। सर हम इस डायग्राम से क्या क्या ड्रॉ कर लें? आप एक काम करा दो, क्योंकि ये वाला जो डायग्राम नहीं है, ये हमें अलग से बनाना पड़ेगा। जब वो टीएस हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का टीएस बनाया था, तो वहां तो हमने ऑलरेडी इसको बना ही रखा है ना। आपको सिर्फ ये वाला पार्ट ड्रॉ करना, ये वाला, इतना, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। सिर्फ और सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक, ये इतना पार्ट आप ड्रॉ, ठीक है? चलो स्टार्ट किया जाए, नोट करना। किसी को कोई डाउट हो पूछे भाई। बच्चों समझ में आ रहा है भाई? यस सर। यस सर। तिशा? Yes, sir, okay. बहुत अच्छे सर। अनुष्का, देवांशी, जुआरिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, किसी को कहीं पे डाउट हो पूछ लीजिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये आना ही आना है, ये आपके बोर्ड में और नीट में दोनों के लिए इम्पोर्टेंट, इसलिए बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नोट करो, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, फर्स्ट पॉइंट, स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। फुल स्टॉप। दीज ट्यूब्यूल्स आर लाइंड बाय, these tubules are lined by germinal epithelium cells. germinal epithelium
सेल्फ, फुल स्टॉप, दे आर कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी जर्म सेल एंड सर्टोली और नर्स सेल. दे आर कंसिस्ट ऑफ जर्म सेल्स, ये प्राइमोडियल जर्म सेल, जर्म सेल्स एंड सर्टोली और नर्स सेल. नेक्स्ट पॉइंट, स्पर्मेटोजेनेसिस कैन बी डिवाइडेड into three phase. First, multiplication phase. pehli phase dalenge for multiplication phase. The undifferentiated germ cells undifferentiated germ cells present in tubules are also called spermatogonium, underlined spermatogonium, or sperm mother cell. Present in tubules. Tubules, also called spermatogonium or sperm mother cell or sperm mother cell. Full stop. They divide through mitotic division. They divide through mitotic division and increase their number. Full stop. Next, growth phase. On sexual maturity, some spermatogonia stop dividing and grow in size. Stop dividing and grow in size by accumulating cytoplasm and replicating DNA and then termed as primary spermatocyte. Full stop. इसी में लिखेंगे. The growth phase is also called, growth phase is also called spermato cytogenesis. Growth phase is also called spermatocytogenesis.
as it gives rise to as it gives rise to a spermatocyte. Full stop. These cells are about gives rise to spermatocytes. Full stop. These cells are about twice the size of spermatogonia. Next, maturation phase. The primary spermatocyte undergo first meiotic division and produce secondary spermatocyte. Full stop. This division is reductional. This division is reductional. Hence, they are haploid. They are haploid cells. Full stop. The secondary spermatocyte soon undergo second meiotic division and produce haploid spermatid. This is equational division. क्योंकि एक हैप्लोइड से दो हैप्लोइड सेल बनी, ये इक्वेशनल डिवीजन। और तो पूछा जाए रिडक्शनल डिवीजन इसमें कौन सा था, तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो था वो रिडक्शनल था, क्योंकि वहीं पे क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो गए। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। एट दिस स्टेज spermatid remains interconnected with each other. अब देखो काम करो, इसके नीचे एक हेडिंग डालो, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजुआ। ये जो आपको स्पर्म जिनको हम कहते हैं ये स्पर्मेटोजुआ है ना, और ऊपर वाले क्या है, स्पर्मेटिड से। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजुआ बन रहे हैं, इस प्रोसेस में मेटामॉर्फोसिस होती है। क्यों? क्योंकि इनका फिजिकल फॉर्म आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर गोल गोल सेल है और ये नीचे स्पर्म के फॉर्म में दिख रहे हैं, तो इनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं।
ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, नोट करेंगे, स्पर्मेटिड डू नॉट डिवाइड फर्दर. नाउ दे मेटामॉर्फोस, स्पर्मेटिड डू नॉट डिवाइड फर्दर. नाउ दे मेटामॉर्फोस इनटू स्पर्मेटोजोआ. फुल स्टॉप. स्पर्मेटोगोनियम प्रोड्यूस, स्पर्मेटोगोनियम प्रोड्यूस 4 स्पर्मेटोजोआ. अंडरलाइन कर लो इसको, पूछो क्यों. नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 100 स्पर्मेटोजोआ से 100 स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करने के लिए कितने स्पर्मेटोगोनियम चाहिए. स्टेटमेंट सिंपल था, 25 चाहिए, 25 चाहिए ना. यस सर. ठीक है, यस सर. इसलिए मैंने कहा इसको अंडरलाइन कर लो, ये ऐसे नहीं पूछा जाएगा, ये इस तरह से पूछा जाता है. ठीक है, कई बार आ चुका है. स्पर्मेटोगोनियम प्रोड्यूस 4 स्पर्मेटोजोआ. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस. ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्पर्मियोजेनेसिस. ये स्पर्मेटिड से और स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को, मतलब इस मेटामॉर्फोसिस को, हमने स्पर्मियोजेनेसिस कहा. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटिल और स्पर्मेटिलियोसिस. हाँ बोलो सर. हाँ बोलो बोलो बोलो. ठीक है, मैंने कहा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स is called spermiogenesis or spermetalliosis or spermetalliosis. ये नीचे लिख दिया मैंने, इसको spermiogenesis भी बोलते हैं या spermetalliosis बोलते हैं. इस पर मियोजेनेसिस पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट में ऑलरेडी. क्लियर है भाई सर? सर आपने दूसरा टर्म कौन सा बताया था? ये मैंने नीचे लिखा है, इस पर मेटी, इस पर मेटालियोसिस, SPERMATELEOSIS. दोनों एक ही चीज है. क्लियर है भाई? यस सर, क्लियर है. यस सर. नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म सेल टेक्स अबाउट 2 months loss of certain cell organelle
लाइक गॉल्गी ऑपरेटर ऑपरेटर्स लॉस ऑफ सर्टेन सेल लॉस ऑफ सर्टेन सेल ऑर्गेनली लाइक गॉल्गी ऑपरेटर्स टेक्स प्लेस इन दिस डेवलपमेंटल प्रोसेस. One more point. The process of release of sperm into the cavity of yahan pe into the cavity of seminiferous tubule is called spermiation. यहां से निकल के ल्यूमेन में स्पर्म का जाना स्पर्मिएशन कहलाता है. तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटामेटियोलियोसिस और स्पर्मिएशन. ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस तीनों पूछे हुए टॉपिक ऑलरेडी अब देखिएगा क्लियर भाई. यस सर. कोई किसी तरह का कोई कंफ्यूजन तो नहीं सर? मुझे एक चीज पूछनी थी सर. बोलो बेटा. आपने बताया था कि जो ग्रोथ फेज जब आप लिखवा रहे थे उसमें बोला था ऑन सेक्सुअल मैच्योरिटी, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन फेज है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करने से पहले भी होता है? हाँ हाँ, देखो जो ये जर्मिनल एपिथेलियम तो धीरे धीरे डिवाइड करते रहेंगे ना, है ना, क्योंकि इनकी अच्छा. इनका एक लाइफ स्पान होता है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे तो सेल डेड हो जाएगी, नहीं बनेगी, है कि नहीं? जितनी भी जर्मिनल सेल्स होती है ना उनका तो एक पर्टिकुलर, वो तो बहुत मतलब फ्रेजाइल होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो बनती बिगड़ती रहती है. ये तो मतलब सर पैदा होते ही से मल्टीप्लिकेशन फेज चालू हो जाता है? हाँ, इनमें मेल्स में जर्मिनल एपिथेलियम का मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन किसी भी तरह का स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं स्टार्ट होती है. लेकिन फीमेल में पैदा होने से पहले ओजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. तो फीमेल अपनी मदर के वॉर्म के अंदर जब होती है तब उसमें ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है. मेल पैदा होने के बाद जब तक वो प्यूबर्टी नहीं अटेन कर लेता तब तक उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस, दैट इज द मेजर डिफरेंस. सर तो अगर ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है तो एग रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में नहीं जाता? नहीं, एक पर्टिकुलर फेज में हैंग हो जाती है. तो कोई भी फीमेल एक पर्टिकुलर एग के स्टॉक के साथ ही पैदा होती है. अप्रोक्सीमेटली 60,000 पोटेंशियल एग के साथ में कोई भी फीमेल गर्ल चाइल्ड बर्थ लेती है. समझ गए? यस सर. ओके सर. तो जैसे मान लो उसमें यहां तक प्रोसेस होती है, देखो यहां तक, कहां तक? यहां तक, मियोसिस वन तक, समझे ना ये, और यहां पर आकर के पॉज लग जाता है. ये पॉज ऑन कब होता है? जब वो प्यूबर्टी अटेंड कर ले. तो ये ऊपर वाली जो प्रोसेस थी ना, ये फीमेल में तभी स्टार्ट हो जाती जब वो अपने वॉर्म स्टेज पे. समझ गए? यस सर. नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे ओजेनेसिस तो और थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा ये कैसे कैसे होती है. ठीक है. वन मोर थिंग, चीज और नोट कर लो. सर्टोली सेल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. सर्टोली सेल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट, एंड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ. तो डेवलपिंग सर्टोली सेल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोटेक्शन, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट
to developing spermatozoa. Okay, so that's it for the day and that's it for this spermatogenesis. Okay, ये एक और डायग्राम है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी गुड इलस्ट्रेशन है ना. डन सर. डन डन सर. बताए भाई किसी को डाउट, कोई भी कोई डाउट पूछिए कहीं पे भी. स्पर्म का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने के लिए टू मार्क में आ जाता है कई बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में. ठीक है, और ये वाला जो है ना सर्टोली सेल का फंक्शन ये पूछा जाता है, टू मार्क का क्वेश्चन है ना. स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट पूछी जाएगी तो 5 मार्क का क्वेश्चन होगा. सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आया या फ्लो चार्ट बनाने के लिए आया तो 3 मार्क का क्वेश्चन होगा, लेकिन इससे क्वेश्चन. ठीक है भाई, सबको क्लियर है? यस. ठीक, दिशा, मैत्री, देवांशी, अनुष्का,